Hi and welcome again to Knowledgeist. Hope all of you doing well. So, yeah wait is over. Many of you are asking me the exact syllabus for credit officer, financial analyst, risk manager, and the syllabus of uh, second, first and second paper, right? Uh, sorry, second and third paper, the paper that is computer knowledge and the uh, general awareness, current affairs plus the economic affairs syllabus. So we'll discuss all that in this special edition of Knowledgeist. Asham. क्रेडिट ऑफिसर फिनेंशियल एनालिस्ट रिस्क मैनेजमेंट की सिलेबस कोर्स में क्या क्या है किस तरह से प्रिपेरेशन होगा सब कुछ डिस्कशन करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया जाएगा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे ठीक है सो बिफोर दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अट काइंडली सब्सक्राइब नाउ ओके एंड एट द एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल योर लाइव कमेंट्स एंड डाउट्स राइट सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मिनिट लेट स्टार्ट दिस इज द एग्जाम पैटर्न आज पर दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन ठीक है और एक छोटा सा अनाउंसमेंट डेट ऑफ एग्जाम को लेके आप बहुत लोग एंग्जियस हैं जनवरी जा, लास्ट वीक में जैसे कि प्रेडिक्टेड था बट द लास्ट डेट फॉर दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन टू अप्लाई ऑनलाइन इज 30th दिसंबर तो इतना जल्दी होने का चांस नहीं है मगर लास्ट टाइम UBI ने धोखा दिया था UBI has conducted their exam they have extended their date but they conducted their exam just 20 days after the final date but normally one and a half months is given after the last date of notification so it could extend but you should start prepare right now theek hai और कुछ लोग जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अभी अभी कुछ लोग रजिस्टर किए हैं जो पहले से रजिस्टर्ड थे वो एप्लीकेशन से पढ़ रहे थे but आई हैव नॉट क्रिएटेड ग्रुप बिकॉज ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग फॉर अदर क्लासेस तो एस बी आई सी बी ओ में बहुत भीड़ हो गया था तो अभी से मैं आज ग्रुप क्रिएट करूंगा जो लोग मिस आउट हैं वो मुझे नोटिफाई करेंगे व्हाट्सएप में ऑलमोस्ट सबके पास नंबर है डिस्क्रिप्सन पर नंबर है तो आप मुझे नोटिफाई करेंगे तो मैं आपको ग्रुप uh, में ऐड कर दूँगा जो रजिंरोल्ड हैं मगर ग्रुप में नहीं है वो मुझे कम्युनिकेट करें हम आज ग्रुप क्रिएट कर देंगे क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा ज्यादा लोग हो जाते हैं तो वहाँ पे ग्रुप की जरूरत है और लाइव क्लासेस कंप्यूटर वगैरह का चल रहा है इकोनॉमिक्स का मैं ले रहा हूँ कल मेरा आरबीआई सर्कुलर जिस्ट का क्लास है परसों पीएसएल का क्लास है और उसके बाद इकोनॉमिक का सेकंड क्लास है इकोनॉमिक्स का जो आपको मिस नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक्स का सेकेंड क्लास इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें बहुत सारे इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे ठीक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स से लेके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कुछ है तो बात करेंगे तो ये सेकेंड पेपर जो आपका है वो कंप्यूटर नॉलेज है और कंप्यूटर नॉलेज जो है वो दो टाइप का होता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर अवेयरनेस कंप्यूटर एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी ऑक्टल एंड हैक्सा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है बट नॉर्मली देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर एप्टीट्यूड इन कंप्यूटर अवेयरनेस हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डाटा प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर कम्प्यूटर लैंग्वेज इनपुट डिवाइसेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बोर्ड शॉर्टकट्स फाइल एक्सटेंसन नेटवर्क नेटवर्किंग एंड इंटरनेट कंप्यूटर वायरसेस एंड सम इंपोर्टेंट एब्रीवियशंस दिस इज दार्ट ऑफ सेकेंड पेपर ठीक है थर्ड पेपर तो बेसिक्स ऑफ बैंकिंग है बैंकिंग बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस फिनेंशियल अवेयरनेस RBI circulars, current affairs and general awareness, basics of economics, Indian economy, microeconomics and macroeconomics, economics of foreign trade, that means the forex related questions, international organizations like OECD, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा डेवलपमेंट इंडेक्सेसू टेक मॉनिटरी पॉलिसी एंड इनफ्लेशन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बहुत थोड़ा सा पुराना हो चुका है जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होगा तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ओवरव्यू रखना चाहिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नाइनटी वन एंड दिल पॉलिसी ऑल ऑफ देम विल कॉन्स्टिट्यूट योर थर्ड पेपर ठीक है

Uh, कुछ क्लासेस आप लोगों ने मिस कर लिया है वो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं ठीक है और बा, बाकी का सारा का सारा क्लास लिंक आपको लाइव uh, क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा ठीक है कंप्यूटर विल बी टेकन केयर बाय एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड जस्ट यू हैव टू वॉच दिस क्लासेस एंड गो अहेड विद दी क्विज एंड टेस्ट इसका टेस्ट भी मिलेगा नोट भी मिलेगा और क्लास भी मिलेगा <coughs> और इकोनॉमिक्स के क्लासेस अभी

रिस्क मैनेजर का सिलाबस डिस्कशन करेंगे ठीक है तो क्रेडिट ऑफिसर में आपका एक सेकेंड यस अनिल अनिल मिश्रा यू आर इन द ग्रुप प्लीज रिमाइंड मी टूडे फॉर दिस क्रेडिट ऑफिसर बहुत लोगों का मैंने मिस कर लिया है नहीं डाला है ठीक है आज मैं सबको ऐड करूंगा ठीक है चिट्ठी बोइना फ्रॉम योर बैच लास्ट ईयर बैच इज ऑल्सो देयर सो आई विल स्टूडेंट्स टू वन ग्रुप ऑल दो राइट सो क्रेडिट ऑफिसर में ये सब आएगा नॉर्मली प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग बेसिक्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट का क्लास आपने एक देखा होगा उसका जीस्ट और पूरा क्लास एप्लीकेशन uh, में अवेलेबल है प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज क्रेडिट रेटिंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल असेसमेंट नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी और हुई इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटरी क्रेडिट और लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी और द कंटीजेंट लाइबिलिटी For the bank so that is nf based facility non fund based facility then comes the export finance npa mana management and irac norms income recogn recognition and asset classification norms of bank credit risk and credit derivatives signification of documentation need of the essential need and essential features of documentation do docu practical एग्जाम में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड आपको देखना होगा मतलब फैसिलिटी वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज डॉक्यूमेंटेशन एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज टाइप्स ऑफ मॉर्गेजिक्स टाइप्स ऑफ मॉर्गेज सरसाई टाइप्स ऑफ चार्जेस दैट मीन प्लेज लियन Mortgage hypothecation, etc., resolution framework, which is important during COVID times, priority sector lending, and other government sponsored schemes, especially government sponsored loan schemes and refinance schemes of NABAD, infrastructure lending, etc., will be part of it. And apart from this, ratio analysis, cash flow statement, funds flow statement, source of finance, MSME, agriculture, credit monitoring, credit monitoring comes after. पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंटेशन लाइक यू हैव टू मॉनिटर योर योर क्रेडिट फैसिलिटीज सो दैट योर लोन योर लोन बुक डोंट डोंट गो डेलीकुंट और आपको पीरियडिकल स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह लेना होता है वो जो भी आप क्रेडिट क्रेडिट दे देने एक्सटेंड करने के बाद का जो प्रोसीज्योर है दैट इज पार्ट ऑफ क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस क्रेडिट रेटिंग प्री सपमेंट प्री सिपमेंट फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट पैकिंग एक्सपोर्ट पैकिंग का भी बहुत ज़्यादा महत्व है इंफासस है गवर्नमेंट का तो सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सपोर्ट फिनेंसिट एक्सपोर्ट फिनेंस क्रेडिट इन रूपी पी एफ पी सी सी एफ सी दट इज प्रीशिपमेंट क्रेडिट इन फॉरन करेंसी रनिंग अकाउंट फैसिलिटी दैट मीन सी सी ओडी अकाउंट रिटेल लोन वर्सेस कॉर्पोरेट लोन्स एंड ऑल्सो लोक अदालत डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सरफेसी राइट ऑफ आई बी सी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग दिज ऑल आर पार्ट ऑफ एनपीए मैनेजमेंट और आईराक ठीक है तो दैट दी पार्ट ऑफ क्रेडिट राइट हाँ विमलेस ऑलमोस्ट आपको अगर सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल वीडियोज़ आर अवेलेबल जो नहीं है जैसे कि इकोनॉमिक्स के क्लासेस अभी हो रहा है और सबसे अच्छी बात है कि इकोनॉमिक्स अभी आपके सारे बैंकिंग एग्जाम के सिलेबस में आने वाला है क्योंकि आई, आई ने जे के सिलेबस में इकोनॉमिक्स को डाल रहा है इकोनॉमिक्स को डाल रहा है सीबीओ ने सी ने क्लियर कर दिया कि इकोनॉमिक्स एक पेपर रहेगा एस बी आई ने क्लियर कर दिया सी में अभी सेंट्रल बैंक ने क्लियर कर दिया और उसी हिसाब से हमारा भी फोकस अभी इकोनॉमिक्स के ऊपर है और मैंने पहला क्लास बना लिया है पहला क्लास हो चुका है सेकंड क्लास ऑलमोस्ट तैयार है रेडी है दो दिन के बाद सेकंड क्लास है ठीक है हम बहुत कम क्लासेस में सात आठ नौ क्लासेस में उसको पूरा कवर करेंगे जो बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत रिसर्च चल रहा है उसके रिलेटेड और पूरा बुक के हिसाब से आपको मिलेगा तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स को ज्यादा कवर करना है ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल हैं आपके इसमें उसको हम ऑर्डर में आपको दे देंगे ठीक है या फिर आप सिलेबस के हिसाब से आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा एनालिस्ट में सब कुछ है, आता है क्रेडिट मैनेजमेंट आता है रिस्क मैनेजमेंट आता है वेल्थ मैनेजमेंट आता है तो क्रेडिट मैनेजमेंट में क्रेडिट ऑफिसर में पूरा डिटेल्ड क्रेडिट होगा मगर फिनेंशियल होगा ठीक है लोन किस प्रकार का है क्रेडिट रेटिंग क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट एनएफ वेस्ट फैसिलिटी एक्सपोर्ट फाइनेंस एनपीए मैनेजमेंट उसके बाद थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी महत्व तो रहेगा रिस्क मैनेजमेंट में आपका आएगा रिस्क डेफिनेशन ऑफ रिस्क पॉलिसी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट रिस्क मेजरमेंट एंड कंट्रोल कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स प्रूडेंशियल नॉर्म्स एक्सपोजर नॉर्म्स बेसल नॉर्म्स आर गाइडलाइंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस इन टर्म्स ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्सेट्रा जो भी लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क ये सब आर का गाइडलाइंस है तो वो इसके पार्ट रहेंगे ठीक है क्रेडिट क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क आपको क्रेडिट और मार्केट रिस्क ज्यादा देखना है लिक्विडिटी रिस्क मार्केट रिस्क के अंदर आएगा बट लिक्विडिटी रिस्क ए एल में भी आएगा असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट में बट क्रेडिट रिस्क का भी थोड़ा सा इंफोसिस रहेगा और इंटरेस्ट रेट रिस्क को भी आपको देखना होगा दिस इज पार्ट ऑफ मार्केट रिस्क बट आई हैव आउटलाइंड बिकॉज दिज आर टू ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड वैल्यू आट रिस्क और भार भार कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना है इतना कैलकुलेशन के ऊपर नहीं आएगा बट भार कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा सा ऑपरेशनल रिस्क में आप उसको देख लीजिएगा ठीक है सॉरी मार्केट रिस्क में भी आएगा इंटरेस्ट रेट रिस्क में भी देख लीजिएगा ठीक है तो उसके बाद फिनेंशियल एनालिस्ट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट भारियस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स डेट सिक्योरिटीज इक्विटी सिक्योरिटीज डेरिवेटिव्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग उससे कैपिटल बजटिंग से एक क्वेश्चन आता है कभी कभी नहीं भी आता है एंड देन कम्स फिनेंशियल मार्केट सो इतना इन डेप्थ क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा इसमें तो बट आपको ये कवर करना है ठीक है यह था एनालिस्ट का अभी मूव करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी हमने बता दिया है क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क लिक्विडिटी रिस्क बिजनेस बिजनेस रिस्क रेपुटेशनल रिस्क सिस्टमिक रिस्क मोरल हाजार एल एम रिस्क मेजरमेंट कंट्रोल वेजल नॉर्म एलई लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क ए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट रिस्क एनालिसिस रिस्क ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मॉडलिंग कार्लो सिमुलेशन क्रेडिट डिफॉल्ट शॉप हेजिंग आर बी आई डिरेक्टिव पेमाप एल ए रिस्क रेटिंग एन आई आई स्प्रेड वो तो ए एम एल में कवर है ऑलरेडी ए एल एम में फंड्स मैनेजमेंट पोर्टफोलियो ए एम एल के वाई सी अच्छा ये सब के लिए है बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट ये क्रेडिट के लिए भी है रिस्क के लिए भी है फिनेंशियल एनालिस्ट के लिए भी है ए एम एल के वाई सी इसको बिना देखे जाना नहीं है ठीक है ऑफ ऑफ रिलेशनशिप बैंक बैंक बैंकर एंड कस्टमर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल बैंकिंग एंड फ्रॉड मैनेजमेंट ठीक है ये सब अवेलेबल है और आज मैं ग्रुप में ऑलमोस्ट सबको ऐड कर दूंगा जो मिस आउट हो जाएंगे वो मुझे कृपा करके याद दिला दीजिएगा आई विल बी एडिंग एवरी वन ठीक है और जो बैच में रजिस्टर्ड नहीं है जल्दी से रजिस्टर्ड हो जाइए ठीक है और क्रेडिट में मैं एडवाइस करूंगा जो फ्रेशर्स हैं या फिर एक दो साल तक का एक्सपीरियंस है वो क्रेडिट में अप्लाई करें एनालिस्ट में अगर आपको डिटेल्ड नॉलेज है तो एनालिस्ट में जाइए क्योंकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ देखना होगा और रिस्क मैनेजमेंट में अगर एक्सपीरियंस है तो रिस्क मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं ठीक है चलिए अब आपका मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ थोड़ा सा क्या क्या डाउट है आपका मैं थोड़ा सा लाइव कमेंट के ऊपर आता हूँ एक सेकेंड एक सेकेंड चलिए लाइव कमेंट्स आपका देखते हैं यस अनिल गुड इवनिंग आई विल बी एडिंग यू टू द ग्रुप अपडेट रिलेवेंट वीडियो पीडीएफ वो तो हो गया जॉइन योर चैनल विकास यू कैन जॉइन फ्रॉम दी डिस्क्रिप्शन और यू कैन पिंग मी पिंग इन व्हाट्सएप आई और द आईटी टीम विल रिवर्ट टू यू बिकॉज़ इट्स ओपन इन व्हाट्सएप वेब सो टीम इज लुकिंग आफ्टर ऑल द मैसेजेस आल्सो

या yeah. <coughs> अच्छा आपको ए एम एल के वाई सी वगैरह जो बेसिक बैंकिंग के हैं बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस फोल्डर उसको कवर करिए रिस्क मैनेजमेंट वो सब कवर करिए ठीक है थीके? और बहुत लोग रजिस्टर्ड हैं तो उनको सबको हम एक अम्ब्रेला में लाते हैं पूरा ग्रुप बना देते हैं फिर मैं डिटेल्ड क्लासेस का लिंक जो यूजफुल क्लासेस हैं जो यूजफुल सेक्शन हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ठीक है चलिए और कोई सवाल मन में हो तो पूछिए अदरवाइज यू हैव समू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड देन सब्सक्राइब राइट तो सी बी ओ के बाद सी बी आई में भी अच्छा रिजल्ट होना चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऐसा एग्जाम था जो हमारा छूट गया था ऑलमोस्ट इन ऑल एग्जाम्स स्टार्टिंग फ्रॉम एस बी आई सी बी ओ ट्वेंटी ट्वेंटी टू बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिस्क पी एन बी एस ओ क्रेडिट रिस्क ट्रेजरी देन बैंक ऑफ बड़ौदा वेल्थ सब में हमारा अच्छा खासा रिजल्ट और सब में हमने रिकॉर्ड किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अभी कभी इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है कल लास्ट इंटरव्यू है और हमारे बैच से थ्री हंड्रेड से ज़्यादा रिटर्न क्वालिफाइड हैं तो वो भी एक बड़ा रिजल्ट हम अवॉइड कर रहे हैं और जनवरी एक तारीख को आएगा आई बी पी का रिज़ल्ट उसमें छः से ज़्यादा हमारे रिटर्न क्वालिफायर्स हैं तो उसमें भी एक बड़ा स्टेक हमारा लगा हुआ है तो आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं हुआ होगा कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म में आर से तो वो एक मजा आ जाएगा उस दिन सर मैं सी में फॉर्म डाला हूँ उससे रिलेटेड स्टडी करना है हाँ सीबीओ का भी इसमें आ जाएगा आपको सी और सी का कॉम्बो अवेलेबल है खाली सीबीओ का कोर्स है सीबीआई का कोर्स है इट इज अप टू यू विच वन यूज टू जॉइन सर बैंक का इंश्योरेंस वाले फिल कर सकते हैं सर बैंक का इंश्योरेंस शायद सीबीआई में कर सकते हैं सीबीओ में तो नहीं कर सकते हैं। सी में थोड़ा सा मुझे फिर से नोटिफिकेशन देखना होगा इतने दिनों में फिर नोटिफिकेशन मैं भूल गया हूँ ठीक है नोट में कर सकते हैं कर सकते हैं शायद ठीक है नोटिफिकेशन देखना होगा इतने सारे एग्जाम हम लोग कवर करते हैं तो याद नहीं रहता लोगों का इशू तो आपको क्या क्रेडिट ऑफिसर में तो आप भर सकते हो क्रेडिट ऑफिसर में तो भर सकते हो क्रेडिट ऑफिसर में भर सकते हो फ्रेशर है अलाउड है क्रेडिट ऑफिसर में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यू कैन यू कैन नो इश्यू नॉट ए बिग डील आपका हेल्प चाहिए पूरा स्टडी के लिए हेल्प अवेलेबल है क्लासेस चल रहा है हेल्प तो चाहिए मुझे भी आपका हेल्प चाहिए आप रिजल्ट करेंगे तो मेरा ही नाम होगा आप प्रेम शर्मा आप क्रेडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करिए नो अमल नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड क्रेडिट ऑफिसर यू कैन अप्लाई बट यू हैव टू डीप स्टडी क्रेडिट मैनेजमेंट हमारे क्लासेस में सब कुछ अवेलेबल है बैंकर्स के हिसाब से अवेलेबल है ठीक है एक बैंकर को जितना नॉलेज होना चाहिए क्रेडिट मैनेजमेंट में वो पूरा का पूरा अवेलेबल है और बाकी कंप्यूटर इकोनॉमिक्स uh, तो मैं खुद खुद पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ अवेलेबल है इट्स ए कम्प्लीट कोर्स एंड आई नीड रेजल्ट आपको तो पता है कि कितना मैं रिजल्ट को लेके ओरिएंटेड हूँ आई नीड रेजल्ट बाई कर क्रुक

सेंट्रल yeah, बैंक ने बोल दिया है ठीक है मैंने मजाक किया बट जो सेंट्रल बैंक ने बोला है उसी हिसाब से होगा सेंट्रल बैंक ने बोला है कि एवरीबडी इज अलाउड ठीक है आपको एम बी ए फस होना चाहिए इफ यू आर एम बी ए फो विध हेट राइट ओके सो नाइस टू सी ऑल ऑफ यू अगेन आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए उसमें कुछ खर्चा नहीं होता है जस्ट थम्स अप गिव अ थम्स अप आई विल बी वेरी हैप्पी रिजल्ट तो होगा ही होगा रिजल्ट रिजल्ट रेजल्ट को मैं बोलता हूँ इट्स ए मेराके हमारे जो रिजल्ट कॉलम अभी ऐड हो रहा है टाइम नहीं मिलता है डिस्प्ले रिजल्ट करो ये करो वो करो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक एग्जाम आ जाता है और जो रिजल्ट कलम है मैंने आईटी को बोला है वहाँ पे लिखिए रिजल्ट क्वेश्चन कौस, का मार्क रहेगा ठीक है क्वेश्चन इट इज ओनली फॉर दोज हु बिलीव इन तो वैसे ही करेंगे आप सबका प्यार है आप सबका मेहनत है तो आप ही रिजल्ट लाते हो नाम हमारा हो जाता है वट टू डू चलिए थैंक यू एवरी वन गुड नाइट टेक केयर सी बी ओ क्लासेस आर ऑन इफ़ यू आर फ्रॉम एस बी आई सी बी ओ ग्रुप में क्लास का लिंक ऑलरेडी शेयर है नौ बजे से आप उसको एक्सप्लोर करिए धन्यवाद थैंक यू फॉर एनी डाउट विजिट अवर वेबसाइट और पिंग अस इन व्हाट्सअप ऑल योर कोरीज कोर्स रिलेटेड डाउट्स विल बी एड्रेस्ड थैंक यू Thank you, everyone. Okay.